हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे महिला पर्यवेक्षक के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, और आज हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के सेशन में आज हम एमसीक्यू 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस महिला पर्यवेक्षक की है। यदि आपने अटेंड नहीं किया है तो महिला सुपरवाइजर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। और रही बात कि आज कौन सा टॉपिक रहने वाला है एमसीक्यू के वक्त, तो आज मिक्स्ड टॉपिक है। अब तक हमने जितने टॉपिक को कवर कर लिया है उस पर ही बेस्ड हमारे एमसीक्यू रहेंगे। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि टोनी प्रताड़ना हो गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सुपोषण योजना हो गया, फिर और वजन त्योहार हो गया हमारा, फिर उसके बाद में ICDS हो गया, ठीक है, जिसका नाम बदल गया है सक्षम 2.0। फिर उसके बाद में हमारा और क्या रहने वाला है, और हमारा नोनी सुरक्षा योजना है ना। हमने इतनी टॉपिक्स कवर किए, और हमारा रहने वाला है कि बच्चों में होने वाली बीमारियां, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक हमने कवर किया है, तो इतने टॉपिक से हमारा क्या रहने वाला है आज की क्लास में, हमारा एमसीक्यू रहने वाला है, ठीक है। तो जितने टॉपिक को हमने कवर किया है उसी पर बेस्ड एमसीक्यू रहेगा। तो यदि मान लीजिए आपने ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा, यदि आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो महिला सुपरवाइजर नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाइए, देखिए, क्लास को अटेंड कर लीजिए, उसके बाद में एमसीक्यू लगा लीजिएगा। और यदि आप पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो बहुत बढ़िया है, और आप डायरेक्टली इसके एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखेगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा, यदि आपकी तैयारी में सेशन हेल्प कर रहा है तो लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सके, ठीक। तो चलिए फिर हम सेशन को अपनी स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नमः शिवाय। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, या फिर टोनी प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2005 के अनुसार टोनी से क्या अभिप्राय है। आप लोग बताएंगे टोनी से क्या अभिप्राय है। तांत्रिक, बैगा, भूत प्रेत या काले जादू का जानकार बताइएगा कि टोनी मतलब क्या होता है। तो टोनी का यदि हमने बात किया था, हमने ये जो अधिनियम पढ़ा हुआ है टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है हमने क्या पढ़ा था, जो काला जादू जानता है, ठीक है, और यानी कि जिसके पास हम बोल सकते हैं जिसके पास नुकसान पहुंचाने की शक्ति है, हमने ये पढ़ा था क्या कि कौन होता है टोनी। तो टोनी के अर्थ के अंतर्गत, परिभाषा के अंतर्गत लिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की शक्ति रखे तो उसको क्या कहेंगे, टोनी कहेंगे। क्योंकि हमने अपने जो सेशन में हमने धारा 2 के अंतर्गत ये परिभाषा को पढ़ा है कि वो किसी भी प्रकार से काला जादू, बुरी नजर, अन्य रीति से हानि पहुंचाए या हानि पहुंचाने की शक्ति रखे तो उसको टोनी कहते हैं, ऐसा धारा 2 कहती है। क्लियर है कि आप लोगों को, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मैंने यहाँ पे प्रतिषेध कह दिया था तो दहेज प्रतिषेध है, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम ये पूरा नाम है, मैंने गलती से कह दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी योजना के संचालन में महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी नहीं होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों का संचालन, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, पूरक पोषण आहार वितरण या मनरेगा। बताएंगे आप लोग कि किसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह की भागीदारी नहीं होती है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हमें ये पता है कि महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों का संचालन बिल्कुल होती है, मध्यान्ह भोजन में होती है, पूरक पोषण आहार वितरण में होती है, किंतु मनरेगा में स्व सहायता समूहों की भागीदारी नहीं रहती है। उन यानी कि मनरेगा में क्या लेना देना है, ठीक है, कि स्व सहायता समूह की महिलाएं यहाँ पे रहें और या फिर कुछ उनके द्वारा ही केवल काम किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिनियम के अनुसार पहचानकर्ता से क्या आशय है। अभी अधिनियम क्या है भाई, तो टोन ही छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम। यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि पूरा यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, ठीक है, प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अनुसार पहचानकर्ता से क्या अभिप्राय है। तो पहचानकर्ता कौन होता है बताएंगे आप लोग, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोनी के रूप में उपदर्शित करता हो, वह व्यक्ति जो टोनी को पहचानता हो, वह व्यक्ति जो काला जादू जानता हो, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, इसकी परिभाषा के अंतर्गत टोनी, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत पहचानकर्ता कौन होता है कि जो कि बताए कि देखो ये टोनी है, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोनी के रूप में उपदर्शित करे कि ये है ना, व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनी के रूप में उपदर्शित करता है या उपदर्शित करने के लिए प्रेरित करता है कि देखो, यानी कि तीसरे पर्सन को बोल रहा है कि आप जानते हो ये ऐसा है ना, या तो खुद बोले या अन्य को बोले बुलवाए, तो वो कौन है, पहचान करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग, एकीकृत बाल विकास योजना के लिए पात्र नहीं है, कौन नहीं है, पात्र है होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है, बिल्कुल यहाँ पे पात्र, एकीकृत बाल विकास योजना के लिए पात्र नहीं है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, प्राथमिक शालाओं में कार्यरत कर्मचारी, किशोरी बालिकाएं, ठीक है, बिल्कुल सही है, पात्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पात्र कौन नहीं है, तो पात्र कौन नहीं है के अंतर्गत आएगा प्राथमिक शालाओं में कार्यरत कर्मचारी। कर्मचारी से क्या लेना देना है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं, ये सभी ICDS के अंतर्गत आते हैं, इसका नाम परिवर्तित हो चुका है, हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, बच्चों में इनमें से कौन सा रोग आयरन की कमी के कारण होता है, अनीमिया, घेंघा, रतौंधी, क्वाशियोर्कर। तो आयरन की यदि हम बात करें तो आयरन की कमी से होने वाले रोग को हम बोलेंगे अनीमिया, ठीक है, क्या है, अनीमिया। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 राज्य में कब प्रवृत्त हुआ, यानी कि लागू हुआ, 30 सितंबर 2005, 30 दिसंबर 2005, 30 नवंबर 2005 या 30 अक्टूबर 2005, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दो बार टाइप हो चुका था इसलिए बताइए कब हुआ था। तो टोनी, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम की यदि हम बात करें तो राज्यपाल की अनुमति इस अधिनियम के अंतर्गत, या फिर हम बोले कि राज्यपाल की अनुमति मिली थी 26 सितंबर को, कब, 26 सितंबर 2005 को। फिर उसके बाद ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 30 सितंबर 2005 को, और जिस दिन ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया उसी दिन कहा गया कि ये छत्तीसगढ़ राज्य में लागू भी हो गया है। तो लागू प्रवृत्त कब हुआ, तो 30 सितंबर 2005 को हुआ है, ठीक। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग, इनमें से कौन सी बीमारी के कारण गले में सूजन आ जाता है, घेंघा, क्वाशियोर्कर, मरस्मस या अनीमिया। तो सूजन किस में आ जाता है, किस बीमारी के अंतर्गत, घेंघा के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग, देखो मैं फटाफट कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोग अपने अनुसार इसको, अपने अनुसार आंसर सोच करके अपने अनुसार आप स्पीड को सेट कर लीजिए कि कितना क्या सुनना है, और उसके अनुसार आप आंसर दीजिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक। तो छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली, 30 अक्टूबर 2005, 30 नवंबर 2005, 26 दिसंबर 2005 या 26 सितंबर 2005, बताइए। राज्यपाल की अनुमति कब मिली, अभी जस्ट हमने देखा कि 26 सितंबर 2005 को राज्यपाल ने अनुमति दिया था इसमें, और 30 तारीख को, यानी कि 30 सितंबर को प्रकाशित हो गया राजपत्र पर, ठीक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। कुपोषण से बचाव के लिए 9 माह का होने पर बच्चे को प्रत्येक 6 महीने में किसकी खुराक आवश्यक पिलाना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो बताएंगे आप लोग,
कुपोषण से बचाव के लिए जब 9 माह का हो जाता है तो प्रत्येक 6 महीने में अब बच्चे को कौन सी खुराक लगती है, तो विटामिन ए की खुराक लगती है। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे। टोनी के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर दंड का प्रावधान है। 5 वर्ष का कठोर कारावास, 5 वर्ष का साधारण कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे, अब ये कारावास की बात आ रही है। तो अब कारावास के अंतर्गत क्या हमने पढ़ा था कि धारा 4 बोलती है कि दंड है, दंड है तो क्या बोला गया, 3 वर्ष का दंड है, और क्या बोला गया, साथ में जुर्माना भी है। जी हाँ, ये हमने धारा 4 में पढ़ा है कि टोनी की पहचान के लिए दंड होता है, तो 3 वर्ष का, 3 वर्ष हमने पढ़ा है तो बिल्कुल 3 वर्ष का कठोर कारावास है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि 3 वर्ष का कठोर कारावास किसके लिए है, एक बार ध्यान देंगे आप लोग। जब पहचान की गई, क्या किया गया, पहचान टोनी के रूप में जब पहचान की जाती है तब ये 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। लेकिन धारा 5 क्या बोलती है भाई, धारा 5 क्या बोलती है, धारा 5 बोलती है प्रताड़ना के लिए दंड। ठीक है, प्रताड़ना के लिए दंड, ये तो पहचान के लिए दंड था, अब प्रताड़ना के लिए दंड की बात होती है। तो यदि शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा तो कितने वर्ष का कारावास हो जाएगा, 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा, 5 वर्ष का कारावास, साथ में जुर्माना भी होने वाला है। क्या होने वाला है, जुर्माना भी होने वाला है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या लिखा है, टोनी के रूप में उपदर्शित किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने पर दंड का प्रावधान है। 5 वर्ष का कठोर कारावास, 5 वर्ष का साधारण कारावास, 3 वर्ष का कठोर कारावास या इनमें से कोई नहीं, तो 5 वर्ष का कठोर कारावास आएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो धारा 5 क्या बोलती है, प्रताड़ना के लिए दंड, धारा 4 बोलती है पहचान के लिए दंड, पहचान के लिए 3 और प्रताड़ना के लिए 5 वर्ष का कारावास होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आओ। महिला स्वयं सहायता या स्व सहायता समूह की अवधारणा का जन्म कौन से देश में हुआ, तो जो SHG है ना, SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये कौन से देश से आया, तो बांग्लादेश से आया। किस देश से आया, बांग्लादेश से, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, भारत, अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है महिला पर्यवेक्षक का मुख्य कर्तव्य है, तो महिला पर्यवेक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व परियोजना अधिकारी के मध्य संबंध स्थापित करना, महिला स्वास्थ्य परिचारिकता LHV तथा सहायिका परिचारिका दाई ASM की सहभागिता के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठकों का आयोजन करवाना, वृद्धि निगरानी ग्रोथ मॉनिटरिंग अन्य बीमारियों के संबंध में चुने गए विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महिला ये जो लिखा हुआ है, यदि हम देखें कि ये बिल्कुल ये सब काम तो किया ही जाता है, बैठक करवाई जाती है, संबंध स्थापित किया जाता है और ये सब में बिल्कुल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि उपर्युक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आओ। महिला स्व सहायता समूह के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद यूनुस, मार्गेट थ्रेचर, मलाला यूसुफजई खान, अब्दुल खाफर खान। तो देखेंगे हम लोग कि स्व सहायता समूह कहाँ से आया, बांग्लादेश से आया बिल्कुल, और प्रवर्तक कौन है, तो मोहम्मद यूनुस है। कौन है, SHG के प्रवर्तक की यदि हम बात करें, यानी कि ओरिजिन SHG का कहाँ से हुआ है, बांग्लादेश से हुआ। और इसके बाद में बात आती है कि किसने इसको स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट ये किसके द्वारा हुआ है, तो मोहम्मद यूनुस वो प्रवर्तक हैं इसके। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पूरक पोषण आहार के रूप में दिए जाने वाले नाश्ते व गर्म भोजन के लिए खाद्य सामग्री रेडी टू ईट को छोड़कर किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि
पूरक पोषण आहार के तहत दिए जाने वाले नाश्ते व गर्म भोजन के लिए जो खाद्य सामग्री है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, महिला स्व सहायता समूह, नगरी निकाय, ग्राम पंचायत या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूरक पोषण आहार है, ठीक है, पूरक पोषण आहार नाश्ते व गर्म भोजन के लिए खाद्य सामग्री रेडी टू ईट को छोड़कर ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यहाँ पे पूरक पोषण नाश्ते महिला स्व सहायता समूह के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है धारा 8 ख में, धारा 5 क में, धारा 9 क में या धारा 11 ख में। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस में है, धारा 8 ख के अंतर्गत है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किया है, बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा है कि आपसे सभी क्वेश्चन बने होंगे और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताइएगा कि आउट ऑफ 15 आपको कितने नंबर आपके आ रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।